वियतनाम की उपराष्ट्रपति डांग थी उंगोक थिन गुरुवार को अपने 43 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बुद्ध भूमि बोधगया पहुंची। उन्होंने विश्वदाय धरोहर महाबोधि महाविहार में अभिवादन कर भारत व वियतनाम के पुराने रिश्तों में और प्रगाढ़ता की कामना की। इसके साथ भगवान बुद्ध की प्रतिमा को चिवर अर्पित किया और मंदिर के प्रथम तल पर जाकर पूजा की। पवित्र बोधि वृक्ष को 3 बार परिक्रमा कर पुष्प अर्पित किया। वियतनाम के राजदूत फाम सान चाओ ने कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि इस पावन धरती को नमन करने का उन्हें मौका मिला। ये वही पवित्र भूमि है जहां 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने विश्व में समता, शांति व भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन्होंने आगे कहा कि इस अति सुंदर धर्मस्थली के रखरखाव से अत्यधिक वे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने भारत व वियतनाम की सरकार के बीच हुए आर्थिक व रक्षा क्षेत्र से संबंधित समझौते की प्रगाढ़ता की कामना की। गया हनोई के बीच विमान सेवा शुरू करने संबंधी सवाल पर राजदूत ने कहा कि अभी दिल्ली हनोई के बीच विमान सेवा शुरू हुई है, गया एयरपोर्ट पर संसाधनों की कमी है, इसलिए अभी गया के लिए विमान सेवा नहीं शुरू की जा सकती है। वियतनाम से बड़ी संख्या में बोधगया आने वाले पर्यटकों के लिए दिल्ली व कोलकाता से बोधगया पहुंचने का विकल्प है। उधर उपराष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर गुरुवार को बोधगया में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।